आतंकवादियों, अगर खून तुम्हारा गर्म है तो खून हमारा भी गर्म है। जातीय जनगणना, बैलेट पेपर से चुनाव समेत जो दर्जनों मुद्दे हैं, पूरे देश के कोने कोने के सारी राजनीतिक पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के पक्षधर में, जुडिशरी के न्यायाधीशों के दिमाग में गंदा कीड़ा पड़ा हुआ है। आज पूरे देश के संविधान और व्यवस्थाओं पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कब्जा किए पड़ा है। अधिकार महासम्मेलन में देश के कोने कोने से आए हुए तमाम संगठन कर्ता साथियों और श्रोतागणों को बहुत बहुत आभार के साथ, महत्वपूर्ण विषयों पर जो आज इस सम्मेलन में परिचर्चा हुई, उस विषय पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। इन मुद्दों पर आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सामने पूरा देश एक विचार रखता है, लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी हमने एक पेपर में कटिंग दैनिक भास्कर के माता हमने पढ़ा, पूरे देश के कोने कोने के सारी राजनीतिक पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के पक्षधर में चुनाव आयोग पर कब्जा करके बैठा पड़ा है। साथियों आप जानते हैं आज जो ज्यूडिशरी की हालत है देश के कोने कोने में, चाहे जिला कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो अथवा सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट हो, मनुवादियों के कब्जे में है। अभी एक बीते दिन का वाकया पटना हाई कोर्ट का है। पटना हाई कोर्ट के एक जज महोदय ने सामने एक सरकारी कर्मचारी को एक वक्तव्य, एक टिप्पणी करते हैं, आप लोगों ने ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा सुना भी होगा, सोशल मीडिया पे वायरल है। जब ज्यूडिशरी के जजों के मन में मनोस्मृति भरा पड़ा है, ज्यूडिशरी के न्यायाधीशों के दिमाग में गंदा कीड़ा पड़ा हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसे लोग जो अंग्रेजों ने कहा था ये न्याय के लिए नहीं, इनमें न्याय का ईमान नहीं बचा है, इसलिए आज आवाज लगाने की जरूरत है। जज महोदय ने कहा कि रिजर्वेशन से आए हो क्या भारती जी, शर्म आनी चाहिए। देश के कोने कोने में बैठे हुए लोगों के दिमाग में जो कीड़ा चल रहा है, आज जब बहुसंख्यक समाज के लोग आगे बढ़ने की नियति में आगे बढ़ रहे हैं, आज पूरे देश के संविधान और व्यवस्थाओं पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कब्जा किए पड़ा है। बस एक बात कहना चाहता हूं साथियों, जब लगातार ये बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और मनुवादियों ने कोने कोने पे देश के कतरे कतरे करने की जो कोशिश किया है, मैं अंतिम बात यही कह के विराम दूंगा, बस एक बात सुन लेना ऐ सामंतवादियों, अगर खून तुम्हारा गर्म है तो खून हमारा भी गर्म है। अगर खून तुम्हारा गर्म है तो खून हमारा भी गर्म है। अगर तुम इस देश के जर्रे जर्रे अलग करना चाहते हो तो हम देश के तिनके तिनकों को एक करने के लिए निकले हैं। अगर तुम इस देश के व्यवस्थाओं पर कब्जा करना चाहते हो तो हम तुम्हें हटाकर देश के बहुजन समुदाय को स्थापित करने के लिए निकले हैं। बस फर्क इतना है कि संविधान है कि संविधान के नाते तुम भी बचे हो और संविधान के नाते ये 90% समाज तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं संविधान को जरा हटा के देख लेना, एक दिन में तुम्हारा मटिया मेट ना हो जाए तो बता के देखना ये बहुजन समाज कब्जा भी करेगा और तुम्हें इस तरह बूझ भी करेगा। संविधान जिंदाबाद।